लक्ष्मीकांत जी, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, क्योंकि पहले दौर का मतदान शुरू होने वाला है, उससे पहले ईवीएम पर इतनी बड़ी जंग छिड़ गई है, जनता के मन में अगर विपक्ष ये शक पैदा करने में सफल हो जाता है कि ईवीएम की गड़बड़ी, वो कह रहे हैं इसीलिए आपको पहले से पता है 400 आ रहा है। देखिए, जनता के मन में तो कोई शक नहीं होने वाला, इनको पक्का विश्वास है कि ईवीएम से वोटिंग होगी, जनता वोट डालेगी, बटन दबाएगी और ये 40 सीटों पे भी नहीं आएंगे। कांग्रेस पार्टी को पक्का विश्वास है, इसलिए पहले आधार तैयार कर रहे हैं। आप ये देखिए, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। 2013 में राजस्थान की विधानसभा का चुनाव था, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इसी ईवीएम से वोटिंग हुई, 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 21 सीटों पे सिमट गई है। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार थी, इसी ईवीएम से वोटिंग हुई और 40 पे सिमट गई, ये पूर्व मुहूर्त की सरकार बनी केंद्र में। आज इनके पक्ष में ना जनता है, ना वातावरण है, ना देश है, कोई इनके पक्ष में नहीं है, क्योंकि इनका इतिहास जानते हैं ये लोग। बूथ कैप्चरिंग करने वाले लोग हैं, ये चाहते हैं कि बैलेट से चुनाव और ये बूथ कैप्चरिंग कर ले। जो इन्होंने 50-55 साल किया वही देश के साथ आप ये करना चाहते हैं। देश की जनता मन बना चुकी है कि कांग्रेस नाम का कलंक जो इस देश के ऊपर लगा हुआ है उसको हमेशा के लिए मिटाना है। इनकी पिछले लगातार 2 बार से विपक्ष में जितनी सीटें आनी चाहिए नेता बनाने के लिए, उतनी सीटें भी नहीं आई। हम 400 पार के लिए लड़ रहे हैं, 40 पार के लिए लड़ रहे हैं। संघर्ष केवल इतना है। इनको पक्का पता है कि 40 से ऊपर सीटें नहीं लाने वाले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए, भारत को विकास के पथ पर ले जाने के लिए भारत की जनता ठान चुकी है कि ईवीएम का बटन दबाएगी, कमल का बटन दबाएगी, 400 पार भारतीय जनता पार्टी को लेकर जाएगी। रितु चौधरी जी, आपके पास आते हुए, देखिए ईवीएम पर सवाल, आप लोग लोकतंत्र बचाओ रैली करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हर एजेंसी को ऐसे किसी को शक की निगाह से नहीं देखा जा सकता है, क्या वोटरों के मन में शक पैदा करना ईवीएम को लेकर, आपको नहीं लगता है कि लोकतंत्र के साथ ये सबसे बड़ा खिलवाड़ है कि हर एजेंसी पर सवालिया निशान लगा दिया जाए? अंजना जी, जब फोन हैक हो सकता है, गाड़ी हैक हो सकती है, लैपटॉप हैक हो सकता है, तो ईवीएम हैक क्यों नहीं हो सकती? और अगर मोदी जी का मैजिक है तो उनको क्या परवाह, वीवीपैट की जो है गिनती करवा दे और देख ले। और मैं तो ये कहती हूँ कि अब की बार 150 पार भी नहीं इनकी, ये 150 पार भी नहीं अब की बारी। अगर 150 आती है तब ईवीएम ठीक है, अगर 400 पार हो जाए तो ईवीएम खराब है। अंजना जी, इनको कैसे पता कि 400 पार, ये बताइए मुझे कैसे? अच्छा, आप बताइए आप लोगों की कितनी सीटें आ रही है, क्या कोई सेटिंग है? कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही है आप बताइए? हमारे तो जनता पर निर्भर है कि जनता हमको बहुत भरपूर प्यार दे रही है। आपने देखा होगा कि बोल लीजिए, राहुल गांधी जहाँ जाते हैं लाखों की भीड़ आती है, वो किराए की भीड़ नहीं है, मोदी जी के जैसे किराए की भीड़ नहीं लेकर आते हैं, वो लाखों की भीड़ बता रही है कि जनता इस बार बदलाव चाहती है। और इस बार कांग्रेस सरकार कोई 400 पार नहीं, इनका तो 150 पार हो जाए वो मुश्किल है। लक्ष्मीकांत जी, एक ही बात पर सवाल अटक रहा है कि आप लोगों को पहले से कैसे पता है 400 पार? देश का यही विपक्ष का हर नेता कह रहा है, देश का बच्चा बोल रहा है, मोदी जी की सरकार 400 पार के साथ बनेगी। और देखिए, इन्होंने कहा कि जब फोन हैक हो सकता है, लैपटॉप हैक हो सकता है, तो ईवीएम हैक क्यों नहीं हो सकती? तो देखिए, कौन सी पार्टी है जिसको अभी कहिया, कल को ये कह देंगे कि इस माइक में आवाज आ रही है तो इस टेबल में से क्यों आ रही है, इस टेबल में से क्यों नहीं आ रही, इस कारपेट में से क्यों नहीं आ सकती? ये आलू से सोना बनाने वाली पार्टी, इसके सारे के सारे लोगों की समझ इतनी है कि ईवीएम हैक हो सकती है क्योंकि मोबाइल हैक हो सकता है, ईवीएम हैक हो सकती है क्योंकि लैपटॉप हैक हो सकता है, आवाज इस माइक में आ सकती है, इस कारपेट से थोड़ी आ सकती है। ये आप सच पान लिख के बांधकर चलिए, कांग्रेस पार्टी हार मान चुकी है। राजस्थान में तो 25 सीटें, 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 2019 में 25 सीटें जीती थी, 25 की 25 सीटें 2024 में भी जीतेगी और 400 पार के साथ देश में भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। रितु जी, वो कह रहे हैं 25 सीटों वाली हैट्रिक एक बार फिर से राजस्थान बीजेपी में नरेंद्र मोदी की झोली में डालेगी, कैसे आप पलटिएगा और कितनी सीटें राजस्थान में, तो कम से कम बताइए कितनी सीटों पर आप कॉन्फिडेंट है कि जीतेंगे? सपना है इनका, सपना 25 सीट लाने का, जो कि कभी पूरा नहीं होगा। चार तो छोड़ के भाग गए, सरकार अब की बार चार तो टिकट ही वापस कर चुके हैं। 25 सरकार का कोई भविष्य नहीं है राजस्थान में। राजस्थान की जनता समझ चुकी है कि जो ये हाथ है वो ही हालात बदलेगा इस देश के भी और राजस्थान के भी। राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया, राजस्थान की जनता ने इन पर विश्वास किया और इन्होंने पर्ची से सीएम निकालते हैं, ये पर्ची से निकालते
उस सीएम को जिनको ये नहीं पता कि राजस्थान में क्या हो रहा है, उनको ये नहीं पता कि ये देश कब आजाद हुआ था, वो सरकार चलाएंगे, वो सरकार चलाएंगे। देखिए आपके बारी इन्होंने आपकी बारी साफ है, आपकी बारी साफ है, भाजपा साफ है, सुपड़ा साफ है भाजपा का, और आपकी बारी कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन जो है देश में आ रहा है और राजस्थान में 25 के 25 सीट हम लेकर आ रहे। देखिए छोटा सा जवाब, उसके बाद मुझे इन दोनों के पास जाना। कि पर्ची सीएम तो निकला नहीं, इनका खर्ची सीएम जरूर निकला। 2018 में सचिन पायलट को मुख्य बनाने वाले थे मुख्यमंत्री, और खर्ची सीएम अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए। तो ये जो पायलट के नारे लगा रहे थे अभी, पायलट को तो गद्दार कहा अशोक गहलोत ने, अशोक गहलोत ने पायलट को गद्दार कहा, अशोक गहलोत ने पायलट को कोरोना कहा, अशोक गहलोत ने पायलट को वायरस कहा, अशोक गहलोत ने पायलट को देशद्रोही तक कहा। अब आप बताइए कि राजस्थान में जो गहलोत समर्थक हैं, जो सचिन पायलट समर्थक हैं, वो किस तरफ जाएंगे? आप ये मानकर चलिए 4 लोगों ने इनकी टिकट वापस कर दी राजस्थान में, बाकी के जो लड़ रहे हैं वो टीवी के सामने बोल रहे हैं कि हमें क्यों लड़ा रहे हो, हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बार बार बोल रहे हैं, और देखिए बांसवाड़ा में क्या हुआ, बांसवाड़ा में इन्होंने कांग्रेस की टिकट दी, वो लेके भाग गया, इनको मिला ही नहीं, और कांग्रेस पार्टी ने अखबार में ऐड दिया है, कांग्रेस पार्टी ने पर्ची जारी की है, उस पर्ची में कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि बांसवाड़ा में कांग्रेस को वोट नहीं देना, कांग्रेस ने पर्ची जारी की है कांग्रेस को वोट नहीं देना। तो आप ये मानकर चलिए राजस्थान में कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। चलिए दो प्रोफेसर हमारे साथ आए हुए हैं राजस्थान, दोनों प्रोफेसर की राय जरा जान लेते हैं। गिरिराज जी सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्या तस्वीर राजस्थान की दिख रही है? देखिए एक सेकंड, बहुत दिलचस्प बात है, पता नहीं हमारे दर्शकों को भी जरा बता दे अच्छे से। अर्जुन लाल मीणा 2 बार से जीत रहे थे, टिकट काट दिया, क्या 25 सीटों का तोहफा फिर से मोदी जी को देने का दबाव है कि इन्होंने कई जो सिटिंग एमपी है उनके टिकट काट दिए हैं? वहीं पर कांग्रेस ने भी जो 2 बार से हार रहे थे उनका टिकट काट दिया है, और जो फॉर्मर कलेक्टर थे गहलोत साहब के करीबी थे उनको दे दिया है। अब सवाल है कि इससे क्या असर होता हुआ आपको दिख रहा है? उदयपुर की सीट पर अब जरा चर्चा कर लेते हैं। देखिए अंजना जी, जहाँ तक उदयपुर की सीट का सवाल है, अर्जुन मीणा जी की काफी समय से तबियत खराब थी, तो मुझे लगता है कि पार्टी ने शायद ये निर्णय किया कि चूंकि कैंडिडेट काफी समय से बीमार है तो उसका टिकट काट के एक नए चेहरे को दिया जाए। जहाँ तक उदयपुर सीट का सवाल है, आप ये देखेंगे कि दोनों पार्टियों ने स्थापित नेताओं को टिकट नहीं दिया है, टिकट दिया है 2 पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों को। हाँ। और मुझे आरटीओ अधिकारी थे मन्ना लाल साहब जिनको टिकट दिया गया है, दूसरे भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो मुझे लगता है कि एक सेकंड आप बोलिए, आप इनकी बात पर सुनिए, ये जनता इनको अपने अपने बात आप लोगों के सवाल लेंगे। मन्ना लाल साहब आरटीओ थे अधिकारी, और इधर से जिनको ताराचंद मीणा साहब वो फॉर्मर कलेक्टर है, आईएएस अधिकारी। हाँ जी। और जहां तक आपका सवाल है कि राजस्थान में क्या दिख रहा है, मुझे लगता है कि राजस्थान में बीजेपी को वो एडवांटेज नहीं है जो उसे होना चाहिए था कंपेयर टू 2019। मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी को सीटें कम आएंगी, और कांग्रेस कुछ जगहों पर अपनी सीटें जीतने में सफल रहेगी। कुछ जगहों का मतलब क्या होता है? देखिए कुछ जगह मतलब कुछ पश्चिमी राजस्थान की कुछ सीटें हैं, कुछ पूरी राजस्थान की है, तो मुझे लगता है कि उन सीटों पर बीजेपी को कांग्रेस को एडवांटेज है बीजेपी। डॉक्टर कुंजन आपको क्या लग रहा है, जल्दी से कमेंट। देखिए 2014, 2019 और 2024 एक ही चेहरा है मोदी, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बहुत बड़ी बात होती है जब एक ही चेहरा चुनाव लड़ रहा हो। यहाँ टिकट काटने या टिकट देने की बात नहीं है, बात यह है कि चुनाव कितने बड़े परिदृश्य में लड़ा जा रहा है। जब बड़ी पंचायत में चुनाव लड़े जाते हैं तो बड़े मुद्दे होते हैं, और बड़े मुद्दे यहाँ सिर्फ राष्ट्र का मुद्दा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जितनी 2019 में थी उसे बेहतर ढंग से प्रदर्शन कर रही है, और मुझे लगता है कि फिर आ रही है। मतलब 25 से आगे कैसे बढ़ सकते हैं, 25 तो सीटें ही है यहाँ पे। नहीं, बेहतर कर रही है।